प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले की जो वीडियो थी, जो हमने इंग्लिश कैपिटल वर्ड्स कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस की थी, वो ए से लेकर एन तक की थी। आज हम एन से आगे की स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। ओ, ये हमने ओ बनाया इस शेप में, ऊपर से ऐसे और यहाँ से ये ऐसे, इसको इस तरीके से मिला देना, ये बनेगा हमारा ओ। अब इसके बाद लिखना हमने पी। ओ की तरह क्यू होगा, सेम उसी शेप में, दरमियान में ये लकीर, ओ पी क्यू, आगे आर। इसके बाद एस, एस के लिए यहां से और यहां से इसको बिल्कुल ओ की शेप देनी, ये वाली, फिर यहां से, यहां से ये सिरा आपस में मिला देना दोनों ऐसे। ओ पी क्यू आर एस, आगे टी, फिर यू, इसके बाद वी, डब्ल्यू, इसके बाद एक्स, इसके बाद वाई, जेड के लिए दो लकीरें लगानी है ऐसे, ये सिरा इस सिरे से मिला देना, तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ओ से लेकर जेड तक वर्ड बनाए। इससे पहले की वीडियो में हमने एन तक प्रैक्टिस की थी, तो एन के बाद आता है ओ पी क्यू आर एस टी यू वी W X Y Z। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कर्सिव राइटिंग कैपिटल वर्ड की प्रैक्टिस की समझ आ गई होगी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।